जिला पंचायत सदस्य के पति भूपेंद्र चौधरी पर लगाया शिक्षक ने 5 लाख रुपए हड़पने का आरोप। जनपद अमरोहा के जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता चौधरी के पति भूपेंद्र चौधरी पर सरकारी शिक्षक ने लगाया 5 लाख रुपए हड़पने का आरोप। पैसा मांगने पर जान से मारने की दी धमकी और रोब दिखाने का लगाया आरोप। जिला अधिकारी से की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरोला क्षेत्र के गांव बांसला के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात जितेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिला अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा। बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पति भूपेंद्र चौधरी के गांव में वह प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं। उसने बताया कि जब वह जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गए और उनकी पत्नी अध्यक्ष बन गई, उन्होंने मुझे धमकाकर मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए और जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे धमकाया और मांगने पर पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने जिला अधिकारी से शिकायत की है और मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं ब्लॉक अध्यक्ष गजरोला का अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश सत्रों से, और मेरी पोस्टिंग जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता चौधरी के पति का गांव बासले में प्राथमिक विद्यालय बासले में मैं प्राधानाध्यक्ष पद पर तैनात हूँ। कुछ समय पहले जो है जिला पंचायत अध्यक्ष पति चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मुझे रोका, हुआ गनर उनके साथ थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भी मास्टर जब वो बन गए थे जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए थे तो उसके बाद उन्होंने जब उनके द्वारा अविश्वास आ रहा था तो उन्होंने कहा भी मास्टर मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए और मुझे जो है पैसे दे। मैं बोला साहब पैसे कहाँ से दूँ, मेरे पास तो है नहीं। बोले तू जानता नहीं मुझे, मैं सत्ता का जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष पति हूँ और ये गन्ने वाले देख रखे नहीं, नौकरी करनी है मेरे गाँव में, अगर मेरे गाँव में नौकरी करनी है तो पैसे दे। तो साहब मैं थोड़ा डर सा भी गया, फिर मैंने अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे करे, कुछ मैंने करे और मैंने 5 लाख रुपए उन्हें दिए नगद। बोले कैसे ही है चेक वैक नहीं। तो अब मैंने उनसे मांगे भी दोबारा पैसे, तो जो है अब उन्होंने मुझे गाली वाली दी और गन्ना वाना लेकर आए और धमकाया कि नौकरी करनी नहीं करनी, चल तुझे बताता हूँ अभी। और उन्होंने अपने पैड पे बोले मैं जो है पैड पे जो है तुम्हारी शिकायत करता हूँ डीएम साहब से और जो है तुम्हें बर्खास्त करवाता हूँ, तुम्हारी नौकरी वोकरी ख़त्म करवाता हूँ, कभी पैसे वैसे लो। अब डीएम साहब के पास आए, डीएम साहब से क्या चाह रहे हैं? डीएम साहब से यही है कि हमारे जो है जो उन्होंने शिकायत करी है उसकी जाँच कराई जाए, हमारे पैसे वापस कराए जाएँ और हमें न्याय मिलना चाहिए।